सर उसका आंसर क्या है? 9/7। देखते बाकी लोग को आया कि नहीं आया। 9/7 है ना। चलो अब लास्ट सम करते हैं टाइप का, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, ठीक है? फटाफट से चलो, कम ऑन, लेट्स डू इट गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट, रीड करते हैं इसको। रोचित रीड करो। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू एम इज 112, फाइंड एम। ओके पे अटेंशन, ठीक है? अब ये लोग क्या नॉट ऑडिबल, सॉरी सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? नॉट ऑडिबल। आ रही है सर। आ रही है बेटा। ओके मैं ये बोल रहा हूं कि 1 + 2x द होल रेस टू n, इसके एक्सपांशन में x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, इसके एक्सपांशन में बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसमें से जो एक ऐसा टर्म है जिसमें x स्क्वायर आने वाला है, ठीक है? एक ऐसा टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर आने वाला है, उस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बोला जल्दी से बोलो? 1 + 2x द होल रेस टू m में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बोला? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 112। यानी एक्स स्क्वायर के बाजू में 112 लिखा हुआ है, ठीक है? तो बताना है कि भाई m का वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है? 1 + 2x द होल रेस टू m में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 112। तो आप बताइए कि m का वैल्यू क्या होगा, what will be the value of m, ये पूछा है अपने को, ठीक है? कोई बड़ी बात तो है नहीं, कर लेंगे। चलो फटाफट से बताओ, 1 + 2x the whole raise to m है, जल्दी से बताओ यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? डियर स्टूडेंट्स a का वैल्यू is 1, b का वैल्यू is 2x, n का वैल्यू कितना बोलो? n का वैल्यू इज m, n इज m, बढ़िया। ओके tr प्लस 1 का फॉर्मूला बोलो, tr प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन, tr प्लस 1 का फॉर्मूला ncr इंटू a रेस टू n माइनस r इंटू b रेस टू r। चलो बताते जाओ गाइस, कम ऑन। एन की जगह पे क्या लिखो? एन की जगह पे क्विक, एन की जगह पे m, एम सी आर, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, 1 raise to n minus r, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एन लिखो कि एम लिखो? 1 की जगह पे m लिखो, ये m की जगह पे m माइनस r, b की जगह पे 2x raise to r, ठीक है? एम सी आर इंटू 1 raise to m minus r, वैसे भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही आने वाला है, 2 raise to r इंटू x raise to r। अब जल्दी से बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 निकालने के लिए r का क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 निकालने के लिए r का वैल्यू इधर देखो ना, x रेस टू 6, बस इधर देखने का, x रेस टू 6 के बारे में जानकारी चाहिए ना, x रेस टू 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x के पावर में 6 चाहिए, तो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 चाहिए सर, अरे 2 चाहिए सर, x रेस टू 2 नहीं, या एब्सोल्युटली 2 चाहिए, x रेस टू 2 वो लास्ट सम का हैंगओवर है, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 2 पुट आर इज इक्वल टू 2। चलो बताओ आर इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आएगा, क्विकली बोलो, टी टी
थ्री बोलो टी थ्री इक्वल टू कितना बोलो एम सी टू वन रेस टू एम माइनस टू इंटू टू रेस टू टू बराबर इंटू एक्स रेस टू टू। जल्दी से बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू टू कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू टू, कम ऑन एक्स रेस टू के बाजू में नंबर्स बताओ क्या क्या है। एम सी टू इंटू वन रेस टू एम माइनस टू इंटू इंटू कितना टू रेस टू, यस टू रेस टू टू ना एम माइनस टू इंटू टू रेस टू टू इज फोर। बट क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू टू कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वन वन टू वन वन टू। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखो बताओ, इसकी जगह पे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू टू वन वन टू लिख दूंगा वन वन टू इक्वल टू एम सी टू। मुझे बताओ वन का कोई भी पावर ले लो, वन का कोई भी पावर क्या आएगा वन ही आएगा, तो लिखो मत उसको वो एज इट इज है इंटू फोर। ये फोर को नीचे ले लो, जल्दी से बोलो फोर नीचे ले लोगे तो क्या होगा वन वन टू डिवाइड बाय फोर कितना आता है, जल्दी से निकाल के बताओ हाउ मच इज इट 28 क्या 28 इक्वल टू एम सी टू। अभी मैंने को बताओ आपको एम सी टू निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने, एम सी टू कैसे निकालते कम ऑन, दो नंबर्स लिखो यहाँ पे टू है तो दो लिखोगे एम इंटू कितना लिखो एम इंटू कम ऑन एम माइनस वन अग्रीड और नॉट अग्रीड, दो नंबर्स है एम इंटू एम माइनस वन डिवाइड बाय टू इंटू वन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 28 हो जाएगा। बोलो ये टू उधर चला जाएगा कम ऑन एम इंटू एम माइनस वन कितना क्विकली 56 कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं 8 इंटू 7 यस 8 इंटू 7 प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स कंपेयर करोगे तो एम का वैल्यू 8 आएगा 8 आएगा काय सांगतो मित्रांनो कळलंय की नाही कळलंय यस ऑर नो करोगे इसको फिनिश फटाफट से सर वापस एक बार समझाओ ना पूरा सम पूरा सम सर वो नहीं था मैं लेट ज्वाइन किया एक बार स्टार्ट क्वेश्चन पढ़ एक बार जरा वापस पहले क्वेश्चन पढ़ एक बार सर सर वो बताओ ना सर जो आपने एमसीटू को सब्स्टिट्यूट किया है ना ओके कोई टेंशन नहीं है सबसे पहले यही बताओ ये टी आर प्लस वन तक समझा कि नहीं समझा पहले ही बताओ टी आर प्लस वन तक समझा क्या पहले ही बताओ कोई डाउट है तो बताओ सब लोग सारथी तू भी देख ले टी आर प्लस वन तक यस सर हाँ सर ठीक है अब क्या बोला है क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में क्या बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 12 कितना बोला है कोएफिश एक्स रेस टू 12 नहीं यार सॉरी एक्स रेस टू 2 कितना बोला 112 x रेस टू 2 का कोएफिशिएंट क्या बोला है 112 ये दिया हुआ है। तो अभी x रेस टू 2 का कोएफिशिएंट निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 2 फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 2 अगर मुझे x रेस टू 2 का कोएफिशिएंट चाहिए तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा r की जगह पे कम ऑन इधर ऑब्जर्व करो r की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा तो पुट r इज इक्वल टू 2 क्योंकि x रेस टू 2 के बारे में जानकारी चाहिए x रेस टू 2 का कोएफिशिएंट चाहिए तो r का वैल्यू 2 तो इस इक्वेशन में आर की जगह पे टू पुट करो चलो क्या आएगा आर की जगह पे टू तो कम ऑन यहाँ पे क्या आएगा टी थ्री हो जाएगा थ्री आएगा टी थ्री विल भी क्या हो जाएगा कम ऑन आर की जगह पे टू एम सी टू आर की जगह पे टू जहां जहां आर दिख रहा है वहां टू पुट करो इंटू टू रेस टू आर आर की जगह पे टू आर की जगह पे टू यस इंटू एक्स रेस टू टू। बोलो समझा कि नहीं समझा यहाँ तक बाकी लोग कम ऑन अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है x square का coefficient मतलब x square के बाजू में क्या दिख रहा है बताओ ये x square का coefficient this is the coefficient of x square so therefore coefficient of x square कितना बोलो quickly mc2 into 1 raised to m minus 2 into 4 but question में क्या दिया हुआ है coefficient of x square का value read करो question में coefficient of x square का value क्या दिया हुआ है तो इसकी जगह पे क्या लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखो 112 इज इक्वल टू एम सी टू इंटू वन रेस टू एम माइनस टू इंटू फोर। अब मुझे बताओ वन का कोई भी पावर ले लो वन का कोई भी फाइनाइट पावर ले लो तो आंसर क्या आएगा ये देखो वन का कोई भी फाइनाइट पावर ले लो वन रेस टू 1000 ले लो वन रेस टू 1 crore ले लो तो आंसर क्या आएगा वन ही आएगा तो ये आंसर वन ही होने वाला है तो वन वन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी टू इंटू फोर
अब फोर कहाँ चले जाएगा बोलो, फोर ये 112 के नीचे चले जाएगा, तो 112 डिवाइड बाय 4 इज MC2। बोलो यहाँ से MC2 कितना आ रहा है, कम ऑन, हाउ मच इज MC2? 28। अभी आपको शॉर्टकट बताया कि नहीं सिखाया, MC2 निकालने का शॉर्टकट याद है ना, कैसे निकालते हैं? मुझे बताओ 8C2 कैसे निकालते हो, हाउ डू यू कैलकुलेट 8C2? कम ऑन, क्या लिखते हो पहले? 8 into 7 upon 2। 7 मतलब क्या, एक कम किया ना आपने, 8 के बाद 7 लिखा मतलब क्या, एक कम किया आपने, यस। तो यहाँ पे m लिखा, फिर एक कम करो, m में से कम करो तो क्या आएगा बोलो, m माइनस 1 डिवाइड बाय, कम ऑन, 2 into 1 m माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 8 नहीं आया, क्या लिखा मैंने, कुछ मिस्टेक किया, 28 आएगा सर, यस 28। यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 कितनी है मित्रांनो, 56। अब तो आप स्मार्ट हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो राइट हैंड साइड को भी लिखो ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। बोलो काय येणार मित्रांनो, 56 को क्या लिखूं मैं, 8 × 7, तो m का वैल्यू 8 आ गया, 8 आ गया। चलो फिनिश करो इसको अच्छी तरह। दिव्या को कोई डाउट है क्या? नो सर। सर बोलो, वो जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था ब्रेक से पहले, उसका आंसर 9/7 है। यस 9/7। सर ये सम स्टार्ट करने के पहले आपने क्या बोला था, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं कुछ नहीं, बस आंसर डिस्कस किया था। ओके सर। सर लास्ट सम का आंसर क्या था सर? 9/7 तूने भेजा था ना शायद आंसर, मैं देखना ये हो गया, तूने भेजा था, मैं आई थिंक कुछ काम कर रहा था तो रिप्लाई नहीं कर पाया, राइट है तेरा, 9/7 इज आंसर। आप लोग का दूसरा क्या चल रहा है गाइस, एनीथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन मैथ्स? लिमिट्स चल रहा है। ओके लिमिट्स तो सुपर इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है लिमिट्स तो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है सर। नहीं रे, उल्टा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उसमें इतना नहीं है, उसमें फैक्टराइज करना है, ये करना है, वो करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, सिंथेटिक डिवीजन करो। अगर आप पूछोगे बायनोमियल मतलब इंटरेस्टिंग है कि लिमिट्स इंटरेस्टिंग है, तो 110% लिमिट्स आएगा। अगर आप लोग का हो गया तो मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। नहीं सर रुको। किसी को ये वाले पार्ट में डाउट है तो बताओ, ये वाले पार्ट में गाइस, ये वाला पार्ट जो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट है, इधर से नीचे कैसा है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा गाइस, बोलेगा कोई, NC3 को कैसे लिखूंगा, अगर मुझे NC3 लिखना होता तो कैसे लिखूंगा, एनीबडी यू कैन टेल मी, NC3 सर n * n - 1 * n - 2 डिवाइड बाय 3 * 2 बराबर है, तीन नंबर्स लिखना है आपको, यहाँ पे 3 है तो तीन नंबर्स लिखोगे, तीन नंबर्स n, एक कम, एक और कम, 3 × 2 × 1। चलो गाइस कम ऑन, हो गया सर। सारथी देखो कब से लिख रहा है, आधे घंटे से लिख रहा है। सॉरी सर, सॉरी एक सेकंड रुको,
तो लेट आया। वैसे तेरे कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, तो खुद ही कर लेगा। हाँ, हो गया सर। चलो फटाफट फिनिश कीजिएगा ये सब, जो पहले देगा उसको कैडबरी मिलेगा मेरे एंड से, ठीक है? देखते कौन पहले देता है। सर ऐसा क्वेश्चन मत देना जिसमें किसी को भी कैडबरी ना मिले। अरे ऐसा नहीं देता है, ऐसा कैसा? देखो दिव्या नाम खराब कर रही है, सर आप हर बार ऐसा नहीं, सर आप क्लास में ऐसे ही करते हो। अरे उस दिन बांटा तो था, लास्ट टाइम जो हम लोग मिले थे तो बांटा था ना कैडबरी। वीर सर, ने वो बर्क थी, कैडबरी नहीं थी। अरे तो कैडबरी कितने भी वाला हो सेम कॉस्ट का ही होता है ना, थोड़ी मैं 100 वाला थोड़ी देने वाला था, 5 वाला ही दिया था ना वो, 5 या 10 वाला, 10 वाला था शायद, कितना था पता नहीं, जो भी होगा दिया था जरूर मैंने। ठीक है देखते हैं कौन दे पाता है। ये ए है, ये 9 नहीं है, वरना आधे लोग का थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। ठीक है फाइंड ए, चलो देखते हैं जो पहले देगा उसको कैडबरी। पर्क ले लो, चलो ठीक है पर्क दूंगा। ए है, ए फॉर एप्पल, लिख देता हूँ वापस, स्टार्ट कीजिएगा। Not correct. भूमि रुचित दोनों का इनकरेक्ट। ये रुचित इतना क्या, इतना आंसर चेंज करते हो, पहले तो वो भी करेक्ट नहीं है। क्या बात है,
चलो टॉप तीन को कैडबरी मिलेगा, दो जन ने आंसर दे दिया है करेक्ट। सबसे पहले सारथी ने दिया है, फिर रुचित ने दिया है। ये रुचित को नहीं मिलना चाहिए, रुचित ने तीन तीन आंसर दिए है, गलत बात है ये। अरे सर मैं ए क्यूब लेना भूल गया था। फिर लकी को भी मिलेगा, वेरी गुड। लकी इज द थर्ड पर्सन विल गेट इट। फर्स्ट पर्सन इज सारथी, सेकंड इज रुचित एंड द थर्ड वन इज लकी। मेरे को लकी याद नहीं आ रहा है कौन है, बाय द वे भूल गया मैं, कौन से बैच का ये लकी? सर इवनिंग, इवनिंग का लकी और नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ बैठते हो बेटा, सिर्फ भूल गया मैं तो। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो तुमने सही आंसर दिया है। सर आप कैडबरी की फोटो भेज देना मुझे। ठीक है, मैंने मिलेंगे ना, लेट्स होप कि फरवरी में मिलना हो हमारा, तो मिलेंगे तो सभी। सारथी का एक ही बाकी ना रे, एक ही दे रहा है ना, लास्ट क्लास में कुछ ऐसा बाकी नहीं था ना। सर मेरा रोनाल्डो का बाकी था सर, दोनों ने साथ में आंसर दिया था। इस खुशी में एक मिनट सर, आपने उसका नहीं बोला था कैडबरी का, ना बोला था ना। हाँ भाई दो ही कैडबरी थी और मेरे को और वीर को मिल गया, ये लोग को नहीं मिलेगा। सर आपने एंड में क्वेश्चन चेंज कर दिया था, आपको मालूम है ना, आपने बात अरे हाँ, था, हाँ। लेकिन बट मैंने आंसर दे दिया था उसके पहले वाले आंसर का, तो इस हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। शांत रहे, कैडबरी मिली ना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन चेंज करने के बाद फिर वो सारथी ने आंसर दिया था, रुक मेरे को आंसर भी याद है इनफैक्ट। हाँ सर 78 आंसर था दोनों का, आंसर सेम था ना दोनों को, ये अपना क्या बोलते हैं M और N पूछा था शायद, याद होगा तुम्हें। नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ वुमेन का कमेटी बना लेगा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। सारथी का दो हो गया मतलब, आज का एक, उस दिन का एक, और लकी का एक और रुचित का। ठीक है बोलू क्या आंसर, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 3 है। यस ए का वैल्यू 3। ठीक है चलो बढ़िया, अभी ये एक्सरसाइज हो गया अपना। अभी बेसिकली अपने को ना एक्सरसाइज 4.1 करना है। क्या करना है? 4.1। अभी ये जो एक्सरसाइज है ना थोड़ा सा मतलब कैसा है ना, थोड़ा बोरिंग बोल सकते हैं, है जो है वो ऑनेस्टली बोलता रहो, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, आपने अगर एक सम समझ लिया ना, ये 4.1 का इफ यू अंडरस्टूड वन सम, अगर एक सम समझ लिया तो सारे सम्स आ जाएंगे। ठीक है वैसा ही है। ठीक है तो बता देता हूँ क्या है। अरे पूरा सम करने को बोल रहा है शुभम, अरे नहीं आया क्या रे शुभम को, पूरा सम यार गड़बड़ हो जाएगा, ट्राई कर आ जाएगा रे यूरो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा तेरे से। R3 लेना है सर उसमें बोल। अच्छा हाँ सर मैंने R गलत लिया है। R का वैल्यू गलत आया। ठीक है परफेक्ट। ठीक है तो ये जो है ना, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको जल्दी से बोलो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ध्यान से सुनना जरा, ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि है ही नहीं इंटरेस्टिंग, बट फिर भी आपको पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे। चलो अभी मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपने पास वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं है, 12 या 13 मिनट ही है, तो लगता नहीं हो पाएगा ये, एक काम करो जाने दो, अब याद स्टार्ट करके मतलब नहीं है। ठीक है तो, कोई पॉइंट नहीं याद स्टार्ट करके क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट में आपको समझा नहीं पाऊंगा पूरा, में टाइम लगेगा। ठीक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सर, एक सम दे दो सर, फिर वही तो सम ही देना पड़ेगा।
रुको एक मिनट, चैलेंजिंग सम देता हूँ यार, फिर बच्चे लोग कैसा है ना, मजा नहीं आता है। हाँ सर डिफिकल्ट है। रुको एक मिनट, चैलेंजिंग सम है नहीं ज्यादा, सब इजी इजी वाले ही है। चलो ठीक है कर लो फटाफट, लास्ट सम ऑफ द डे कर लो। कौन सा वाला चाहिए तनिष आपको? सर वो चॉकलेट वाला था ना, वो नहीं आया। चल ठीक है, उसमें आर थ्री क्यों लिया पहले? वो पूरा टी आर प्लस वन निकाला क्या पहले? टी आर प्लस वन निकाला, टी आर प्लस वन क्या था? यस फाइव सी आर, फाइव सी आर एक्स स्क्वायर फाइव माइनस आर। हाँ मतलब एक्स रेस टू टेन माइनस टू आर बराबर। हाँ यस एक्स स्क्वायर रेस टू फाइव माइनस आर ना, है क्या? नहीं इनटू, हाँ समझा, इनटू ए रेस टू आर डिवाइड बाय एक्स रेस टू आर। क्या हो जाएगा बता? ये हो जाएगा एक्स रेस टू कितना हो जाएगा, प्लस आर ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस आर, तो टेन माइनस थ्री आर, थ्री आर। अब तेरे को किसका कोएफिशिएंट चाहिए? किसका कोएफिशिएंट चाहिए? देख एक्स रेस टू, एक्स मतलब एक्स रेस टू क्या, एक्स मतलब एक्स रेस टू वन, मतलब क्या एक्स के पावर में वन चाहिए, तो टेन माइनस थ्री आर को वन पुट करेगा। नहीं समझा? एक्स का समझा कि नहीं समझा? एक्स का कोएफिशिएंट वन चाहिए, एक्स रेस टू वन का कोएफिशिएंट चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स रेस टू वन का कोएफिशिएंट, तो एक्स के ऊपर वन चाहिए, तो टेन माइनस थ्री आर को वन पुट करेगा, तो नाइन इज इक्वल टू थ्री आर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू थ्री। अभी आर का वैल्यू थ्री पुट करके आएगा बता, फाइव सी थ्री हो जाएगा, फाइव सी थ्री इंटू एक्स रेस टू वन इंटू ए रेस टू थ्री। अब देख यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आया, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू वन, कंधा वाला ही देता या लिखो। चलो गो फॉर इट। वन थ्री टू जीरो है, फिर कॉमा है, वन थ्री टू जीरो के बाद कॉमा है, गड़बड़ मत कीजिएगा। सर के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? बस फाइंड के ही है ना, फाइंड के बस ऊपर इफ द के कांस्टेंट के इक्विवेलेंट टू एम, इफ द कांस्टेंट टर्म, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टर्म है वो, टर्म के नहीं है बेटा, कांस्टेंट टर्म है वो। मतलब समझ रहे हैं आपको क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू जीरो कितना है बताओ? कांस्टेंट टर्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू जीरो,
1320 है. Yes. सर इधर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है. हाँ सर 2.2 आ रहा है. क्या बोल रहा है? आर की वैल्यू नहीं आ रही है. नहीं सर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होएगा ना. इन द कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म तो सब सही है. एक मिनट रुको. एक्सपेंशन ओह सो सॉरी यार क्या गड़बड़ हो गया. एक काम करना हो पाएगा तो करो. एक्स क्यूब है वो. एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट. सो सॉरी यार देखा ही नहीं मैंने बराबर. एक्स क्यूब है वो. तो पूजा ऐसा क्यों कर रही हो? लास्ट टाइम नहीं समझा क्या आपको? पहले सारे एक्स के कोएफिशिएंट्स को गैदर करो ना. हां सर मैंने निकाल लिया. आर की वैल्यू 2.2 आ रही है. अच्छा ओके तो वो क्वेश्चन गलत था इसके लिए. अच्छा मुझे लगा तुम कहा नहीं. ठीक है ठीक है अब निकालो. अभी आएगा अभी आएगा. अभी आ रहा है क्या गाइस? हाँ सर. सर आ रहा है आ रहा है. ओके इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड. करेक्ट शुभम वेरी गुड बहुत बढ़िया बराबर लकी. आर का वैल्यू 3 है ना रे गाइस? आर का वैल्यू 3 ना बचलो. क्या सर? आर का वैल्यू 3. आर का वैल्यू 3 है. यस सर. Correct, Sarthi. Good job. Answers based रहेगा. मैं बताऊंगा आपका सही क्यों रहता. तब तक homework लिखता हूं मैं. आप लोग भी लिख लीजिएगा. चलेगा अपना शुभ मिल जाएगा. बड़ी याद दिलाना पड़ेगा आपने.
Correct, Lavi. Good job. Sir, एक बार सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं आया क्या बेटा आपका? रुक जा. आर का वैल्यू आया क्या पहले वो बता. आर का वैल्यू आर तो थ्री आया. ठीक है. आर थ्री आया. आर का वैल्यू थ्री मतलब तेरा टी फोर विल बी 11 सी थ्री करेक्ट इनटू एक्स रेस टू. चलो वो तो जीरो होने वाला है जाने दे. के क्यूब. हाँ इनटू के क्यूब बराबर ना. और खत्म हो गया फिर तो अभी तेरा ये क्या आया कोएफिशिएंट क्या आया एक्स रेस टू जीरो को कोएफिशिएंट क्या आया 1320 इक्वल टू 11 सी थ्री इनटू के क्यूब ना. तो अभी 11 सी थ्री का वैल्यू निकालो बेटा. 11 इनटू इसके बाद नेक्स्ट क्लास. अभी ये वीक में एक और लेक्चर है अपना 2 घंटे का गाइस. सो ये होमवर्क है फ्राइडे या फिर थर्सडे को. हाँ ये होमवर्क है फ्राइडे या थर्सडे को जो भी होगा. तो हमको कोशिश करनी कि वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट कर ले हम लोग. उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए आपको बताओ. उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए बताना मुझे. सेट रिलेशंस चाहिए. ठीक है. जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा देखिएगा जरा ये होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है. एक बार जरा कंफर्म कीजिएगा जरा अगर ये हो गया तो फिर मत कीजिएगा. ये अभी जो लिखा हुआ वो नहीं हुआ है. हो गया है सर. ये हो गया. हाँ सर. अच्छा ठीक. हाँ ये सेकंड वाला भी. सेकंड वाला नहीं हुआ. नहीं हुआ सर. ठीक है. ओके तो ये वाला मत कीजिएगा. ये कर चुके हैं आप लोग. ठीक है. ये सम देखिएगा आज के दिन में किया है क्या. अभी जो लिखने जा रहा हूँ सिक्स्थ सम ये सम आज के दिन में नहीं किया है ना हमने. 2x² - एक मिनट एक्स रेज टू जीरो एंड 2x² - 1/4x द होल रेज टू 12 ये सम आज के दिन में नहीं किया तो ये भी कर लीजिएगा. उसके बाद
इसका मिडिल टर्म क्या होने वाला है बाय द वे? यस, इसका मिडिल टर्म फाइव सर, फाइव फिफ्थ टर्म ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे सिर्फ आपको ओरली बताना है कि इसमें कैसे करोगे आप ये वाला। ये है, बोलो कैसे करोगे? याद है आपको आज के दिन का जब पहला सम किया था, अगर आपको याद होगा मैंने क्वेश्चंस रॉन्ग लिख दिए थे, दो क्वेश्चंस बैक टू बैक। याद है उसमें आर का वैल्यू आ नहीं रहा था अपने को, अगर आपको याद होगा तो। इनफैक्ट अभी वाला सम में भी हुआ था, लास्ट वाले समय भी ऐसा हुआ था, वो क्वेश्चन रॉन्ग था उसमें तो, बट इसमें तो क्वेश्चन सही है, बट इसमें भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, मतलब वो आर का वैल्यू आपको मिल ही नहीं पाएगा। जैसे प्रीवियस समय शायद आपको 2.2 आ रहा था, तो आर का वैल्यू नहीं मिल रहा है मतलब कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगा ही नहीं वैसा, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। तो ये होमवर्क है आपका, कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आंसर्स डिस्कस करेंगे हम लोग, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो सेट्स एंड रिलेशन चालू करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय। सर कोई टाइम लिमिट क्या है सर होमवर्क की, कब तक सबमिट करना है? ये होमवर्क को स्क्रीनशॉट भेजना है। टाइम लिमिट मतलब आप लोग तो कभी सबमिट करते हो होमवर्क, जैसे अभी ये होमवर्क आपने आज डिस्कस किया, चेंज कर देते हैं सर होमवर्क के, बोलते हैं अभी दे दो, 15 मिनट में दो, आधे घंटे में दो, कॉल कर देंगे घर पे। 15 मिनट में थोड़ी होगा ना बेटा, नहीं मतलब एंड मोमेंट पे बताते हैं। एक काम करो, ये मेरा लेक्चर कभी है देखो जरा, पहले मेरा लेक्चर कभी है, आज वेडनेसडे है ना, लेक्चर चेक करो जरा, मैं भी चेक करता हूँ। फ्राइडे, फ्राइडे को यस 6:30 बजे है ना, ठीक है, तो फ्राइडे को सबमिट कीजिएगा, ओके सबमिटेड ऑन फ्राइडे बिफोर माय लेक्चर, या फिर जब भी फ्राइडे को जब भी सबमिट करना है सबमिट कीजिएगा, ठीक है सर? आप कृष्णा सर को बोल दो ये। हाँ ठीक है, बोल देता हूँ उनको मैं, ठीक है? टेंशन मतलब सब लोग बोलेंगे, मतलब सर भी समझ जाएगा ना कि बच्चे लोग झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? टेंशन मतलब फिर भी मैं बोल दूंगा उनको। चलो थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर।